दलित समाज का व्यक्ति एक घोड़ी खरीद के लाता है और घोड़ी पे चलने का काम करता है, उस घोड़ी पे हम दलित समाज के लोग चल नहीं सकते, उसकी हत्या कर दी जाती है और उस घोड़ी की हत्या कर दी जाती है। सोचिए, आप कल्पना करिए। उसके बावजूद भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, और ये जितने समाज के लोग बैठे हुए इन सब के ऊपर ठप्पा भी एक ही बात का लगा हुआ है कि ये समाज भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता है। इसलिए आज इस प्रांगण के अंदर आपको तैयार करके जाना होगा कि आज के बाद, अभी तक तो हमारा घर मकान मरैया कुछ भी नहीं था, न सर छुपाने के लिए छत थी, न तन के लिए कपड़ा, न पेट के लिए रोटी थी। आज हमारे तन छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए आपकी झोपड़ी बन चुकी है। अब आज के बाद आप इस कलंक को भी धोने का काम करेगा ये समाज, इस बात का यहाँ से तैयार करके जाएगा कि आज के बाद भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई समाज का आदमी 1% वोट देने का काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे वोट से ही, हमारे ही वोट से ये सत्ता में आए और हमारा ही आरक्षण खत्म करने का काम इन्हीं ने किया, इन्हीं ने किया है। और इतना नहीं, जब इस देश के अंदर हम, इस देश में केवल निर्बल जाति के लोग, हम कोरी समाज के लोग, हम धनधरती के मालिक हैं, हम धनधरती के मालिक हैं। आदि मानव काल में इंसान जानवर की शक्ल में जो पैदा हुआ था, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आदि मानव काल में इंसान जो जानवर की शक्ल में पैदा हुआ था, इस पृथ्वी के ऊपर 100% पानी होता था, 100% या पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, 100% पानी होता था। आज 370 के रेशियो में इस जमीन में बंटवारा हो चुका है, 370 में, 70 में आज भी पानी है, 30 में जमीन है, 30 में पृथ्वी है और 30 पे हम लोग जिंदगी गुजर बसर करते हैं। ये बात क्या हुआ कैसे? क्योंकि पानी जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर एक मिनट के अंदर इतनी बड़ी भूचाल आया, 3 मिनट के अंदर पूरे 7 लाख आदमी का पता नहीं चला कहाँ चले गए।